अ पर्सन पेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ आर परसेंट फॉर द फर्स्ट 2 लाख. कोई पर्सन है जो इनकम टैक्स पे करता है और जो भी उसकी सैलरी है या फिर पर ईयर का जितना भी वो कमा रहा है उसका पहले जो भी 2 लाख है उसके उस पर आर परसेंट टैक्स पे करता है. ठीक है, तो टैक्स या फिर आप ब्याज मान लीजिए, इंटरेस्ट मान लीजिए. ठीक है, तो सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट किए जाते हैं. जो इंटरेस्ट आता है वो क्या आता है अपना प्रिंसिपल अमाउंट इंटू में रेट ऑफ कन रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100. यहाँ से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो. तो जो भी मेरा टैक्स आ रहा है वो मैं इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करूँगा. तो प्रिंसिपल अमाउंट पहले 2 लाख पे बोल रहा है वो, तो फर्स्ट 2 लाख इंटू में जो रेट है वो क्या बोल रहा है, आर परसेंट बोल रहा है, इंटू में टाइम जो इनकम टैक्स है वो 1 ईयर का पे किया जाता है. ठीक है, तो टाइम अपने पास 1 ईयर है, डिवाइड बाय 100. नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, एंड एट द रेट ऑफ आर प्लस 10% फॉर इनकम एक्सीडिंग रुपीज़ 2 लाख. 2 लाख के बाद में जितने भी रुपए हैं उसके पास उन पे वो आर प्लस 10% रेट से टैक्स पे करता है. क्लियर है? बेसिकली टैक्स का ये रूल होता है कि कुछ अमाउंट होती है, उस अमाउंट के बाद में यदि आपके पास और अमाउंट आ गई है तो उस पे जो टैक्स रेट है वो बढ़ता जा रहा है. अप्रॉक्सीमेटली जैसे आपके पास 5 लाख आ रही है, वो अलग अलग रूल होते हैं कि आपके पास किस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स पे किया जाता है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहले 2 लाख के लिए आपके पास आर परसेंट रेट है, एंड देन जितने भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उन पे आर प्लस 10% रेट ऑफ रेट से आपका इंटरेस्ट पे करना होगा. ठीक है, टैक्स पे करना होगा. अब सपोज कर लो कि उस बंदे के पास में एक्स लाख रुपीज़ पर ईयर आ रहे हैं, एक्स लाख. ठीक है, क्योंकि जो उसने अपने से वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज़ द एनुअल इनकम, लास्ट क्वेश्चन उसका यही है कि एनुअल इनकम कितनी है उसकी. तो एनुअल इनकम मान लो आप एक्स लाख है उसके पास. तो पहले 2 लाख पे उसने ये टैक्स पे किया है और बाकी के जितने भी पैसे हैं उस पर इस रेट पे वो टैक्स पे करेगा. तो बाकी पैसे कितने बचे, x माइनस 2 लाख इंटू में रेट क्या लग रहा है उसका, r प्लस 10 टाइम 1 ईयर डिवाइड बाय 100. आगे क्या बोल रहा है वो, इफ द टोटल टैक्स पे, अब टोटल टैक्स कितना पे किया उसने, यही तो टोटल टैक्स है. ठीक है, इफ द टोटल टैक्स पेड इज आर प्लस 5% ऑफ द एनुअल इनकम. ये कह रहा है कि जितना भी उसका टोटल टैक्स पे किया गया है वो उसकी जो टोटल इनकम है पर ईयर की उसका आर प्लस 5% के इक्वल है. देन व्हाट इज द एनुअल इनकम, एनुअल इनकम पूछी है उसने. अब ये टोटल टैक्स है मेरा, ये किसके इक्वल आ रहा है, जो भी मेरी इनकम है उसका आर प्लस 5%. परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कोई भी आपका 100 है इसका 10%, 10 डिवाइड बाय 100, दैट इज 10%. तो एक्स इनकम का आर प्लस 5% इम्प्लाई दैट इज दी वैल्यू. क्लियर है? तो एक्स का आर प्लस 5% ये हो जाएगा. तो यहाँ से सॉल्व आउट करूँगा, यहाँ से 100 LCM आएगा, तो तीनों में 100 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, देन यहाँ से क्या आया, 2R प्लस में इसको सॉल्व आउट करूँगा x इंटू आर माइनस 2R प्लस का 10x माइनस का 20 इक्वल्स टू में इसको सॉल्व आउट करूँगा XR प्लस में 5x. XR से XR कैंसिल, 2R से 2R कैंसिल, 5x से ये 5x बचा. तो ये 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 20. x की वैल्यू कितनी आ गई, 4. और x को मैं किस में लेके चल रहा हूँ, लैक में लेके चल रहा हूँ. तो x जो उसकी एनुअल इनकम आ गई, x को मैंने एनुअल इनकम बोला था उसकी, तो जो उसकी एनुअल इनकम आ गई वो क्या आ गई, 4 लाख. तो जो ऑप्शन सी है वो ट्री हो जाएगा, 4 लाख. ओके.